अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्रार है। आज इस वीडियो में हम एक मूवी को ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में। तो ये अगर तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद इब्रार को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखें, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं वो कैसे भाग गया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं वो कैसे भाग गया, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नो आइडिया हाउ ही एस्केप्ड। आई हैव नो आइडिया हाउ ही एस्केप्ड। किसी ने ज़रूर भागने में उसकी मदद की होगी या की है, दोनों कह सकते हैं उर्दू में। तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे समवन मस्ट हैव हेल्प्ड हिम एस्केप्ड। समवन मस्ट हैव हेल्प्ड हिम एस्केप्ड। जो हो चुका है अब तुम उसे नहीं बदल सकती या सकते, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कांट चेंज व्हाट्स डन। यू कांट चेंज व्हाट्स डन। अब जाने भी दो, लेट इट गो नाउ। लेट इट गो नाउ। अब खाली लेट इट गो भी कह सकते हैं, नाउ को छोड़ भी सकते हैं। जो हो चुका अब उसे बदला नहीं जा सकता। What's done can't be undone. What's done can't be undone. यानी जो हो चुका उसे अब बदला नहीं जा सकता। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। I can't bear to see tears in her eyes. I can't bear to see tears in her eyes. मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। क्या तुमने ये सोचा था कि मुझे पता नहीं चलेगा जो तुमने किया। Did you think I wouldn't find out what you did? Did you think I wouldn't find out what you did? मेरी पहले दिन से ही तुम पर नज़र थी। I had my eye on you from the beginning. I had my eye on you from the beginning. इस मुसीबत या झंझट में तुमने हमें डाला था। इस मुसीबत या झंझट में तुमने हमें डाला था। You put us in this mess. You put us in this mess. अब हमें इससे बाहर निकालो। Now get us out of here. Now get us out of here. मैंने किसी को इस मुसीबत या झंझट में नहीं डाला। I have put no one in this mess. I have put no one in this mess. तुमने खुद अपने आप को इस मुसीबत में डाला है। You put yourself in this mess. You put yourself in this mess. अपनी गलती के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। Stop blaming me for your mistake. Stop blaming me for your mistake. देखो पानी ख़त्म हो रहा है। Look, the water is running out. Look, the water is running out. हमारे पास पीने के लिए ज़्यादा पानी नहीं है। We don't have enough water to drink. We don't have enough water to drink. मुझे कुछ सोचने दो। Let me think about something. इसकी जगह पर आप कह सकते हैं Let me think. तुम मुझे इस तरह पीछे छोड़कर नहीं जा सकते। यू कांट गो लिविंग मी बिहाइंड लाइक दिस। यू कांट गो लिविंग मी बिहाइंड लाइक दिस। तुमने मेरे साथ रहने का वादा किया था। यू प्रोमिस्ड टू स्टे विद मी। यू प्रोमिस्ड टू स्टे विद मी। तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। यू शुड कीप योर प्रोमिस। यू शुड कीप योर प्रोमिस। तुमने कोई नशा तो नहीं किया। यानी अगर हमने किसी को कहना है कि भाई आपने कोई नशा तो नहीं किया, दिमागी तवाज़ुन आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक है, तो इस तरह हम कहेंगे आर यू हाई और समथिंग। आर यू हाई और समथिंग। जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। एज़ फार एज़ आई नो आई मेड नो सच प्रॉमिस। एज़ फार एज़ आई नो आई मेड नो सच प्रॉमिस। तुमसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। लेकिन अब मुझे जाना होगा। बट आई हैव टू गो नाउ। माफ़ करना, मैंने तुम लोगों को बहुत इंतज़ार करवाया। सॉरी दैट आई हैव केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, बट एज़ यू ऑल नो, देखो जो मैंने कहा तुम उसे गलत समझ रही हो। लुक यू हैव मिस अंडरस्टूड वाट आई सेड। लुक यू हैव मिस अंडरस्टूड वाट आई सेड। मेरा मतलब तुम्हें रुलाने का नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें रुलाना नहीं था। आई डिडंट मीन टू मेक यू क्राई। आई डिड नॉट मीन टू मेक यू क्राई। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डिड नॉट की। वैसे वो उन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाय द वे शी लुक्ड प्रीटी इन दैट ड्रेस। वो कुछ भी पहन ले खूबसूरत ही लगती है। शी लुक्स प्रीटी नो मैटर व्हाट शी वेयर्स। She looks pretty no matter what she wears. तो ये आज की वीडियो